शांति। नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, पर आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जरूर त्रस्त है, परेशान है, पीड़ित है। हम चलते फिरते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं। शरीरों को लेकर भी हमने बहुत बातें कर चुकी हैं, हम सुनते आए हैं, पर आज की ये जो सारी चर्चा हमारे बीच हो रही है, होने वाली है, इसको हम नया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम केवल एक शरीर के ही एस्पेक्ट पर फोकस ना करके इसको जो इफेक्ट करने वाली जो दूसरी बातें हैं, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, उन सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो हमारी चर्चा में हमारे मार्गदर्शन हमें करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर, डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए इनका शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा फोकस बॉडी की तरफ होता है, जिसकी रिजल्ट भी आज ये है कि भाई मॉडर्न साइंस बहुत डेवलप हो गया है, हमारे पास अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, शरीर में कहीं भी कुछ तकलीफ है तो भाई हमने डायग्नोसिस कराई और उसको पता चल गया हमें। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो भाई रिप्लेस करवा लिया, किडनी में प्रॉब्लम है तो ट्रांसप्लांट करा लिया, ये सब आज हमारे पास मौजूद है। तो इसके होने के अलावा, मतलब होते हुए भी, क्यों आज हम ये 3D की जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्यों सामने आता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आज सब कुछ है मॉडर्न हेल्थ केयर में। आज एडवांसमेंट्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हो गई हैं मेडिकल साइंस में, और उसके बाद भी हम क्या देखते हैं? उसके बाद भी अगर हम देखें तो आज किसी व्यक्ति से पूछते हैं या आज हेल्थ स्टेटस देखते हैं तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली आज हम US को कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, और वहाँ देखें तो अगर जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो फेल हो रही है। क्यों हेल्थ फेल? जो डेथ रेट जो है एकदम स्टेबल, वहाँ जो ना और कम नहीं हो पा रहा है। आज वहाँ पर हम अगर 20 लाख हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो वहाँ 17 लाख 18 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी बाईपास कर रहे हैं एक साल में। तो इतना वो करने के बावजूद जो है वहाँ अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर जो ओल्ड एज, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी फिक्स हो गई है, और लाइफ आज वहाँ बूढ़े लोग हैं, 70, 80, 90 साल के लोग हैं, किंतु उनको हार्ट फेलियर हो रहा है। अब उनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने की आवश्यकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा किंतु उसके बाद उनको 1 लाख रुपये महीना उनकी केयर के लगता है, तो बहुत कॉस्टली, एक बहुत कॉस्टली हो गई है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। लगभग 80 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं साइड इफेक्ट्स की वजह से। 20 लाख लोगों को कोई ना कोई, मतलब इसके जो ड्रग के रिएक्शंस होते हैं बहुत सीवियर रिएक्शंस होते हैं, वो उनके कारण प्रॉब्लम। तो मतलब इसके जो हर चीज़ के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, और कहीं ना कहीं हम आके बहुत इतनी कॉस्ट बढ़ गई है कि अमेरिका जैसे देश में, UK जैसे देश में, जो से हम डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, वहाँ भी हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली हो गई। आम आदमी बहुत डरता है कि हॉस्पिटल में जाने से, इंश्योरेंस होने के बाद भी कुछ पार्ट पेशेंट को कवर करना पड़ता है। हेल्थ केयर है जिसे मॉडर्न हेल्थ केयर कहते हैं, वो डिजीज ओरिएंटेड है। डिजीज ओरिएंटेड जब बीमार होने के बाद इलाज करते हैं, जबकि जो बीमारी हैं, जो बीमार हैं, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ 5% 7% ही, मतलब जो बीमार होते हैं दिखाई देते हैं, कि तो जो पीछे जो बीमारी है वो इतने सारे उसके अंदर रहती है। जैसे आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ये मैसेज ईमेल आएगा क्या उसके लिए? SMS आएगा कि आज मैं आऊँगा आपके पास? आज स्ट्रोक आने वाला है, पैरालिसिस का अटैक, पता नहीं लगेगा किस दिन आएगा। फीवर आने वाला है, वायरल फीवर आने वाला है, आपको निमोनिया होने वाला है, आपको जो होने वाला है अचानक से होगा तो पता नहीं लगेगा आपको। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं वो अपना चेकअप नहीं कराते हैं, एनुअल चेकअप नहीं कराते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। और जैसे दिल्ली में सर्वे किया हमने, एक बच्चों का सर्वे किया था पीछे, 10-11 जो 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास, तो ऐसा हम सोच रहे थे कि ब्लड प्रेशर की बात आई थी, तो हमने कहा कि शायद बच्चों को हो, 3-4% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी किडनी खराब हुई, किसी कुछ हुआ होगा। तो टू आवर सरप्राइज 14% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर था, पर 100 में से 14 बच्चों को। आप सोचिए, सोच भी नहीं सकते। तो आप चेकअप कराएंगे तो पता लगता है, कोई भी 100 लोग अपना चेकअप कराए तो 30% को हाई ब्लड प्रेशर है। तो भाई
ऐसा भी कई बार ये भी होता है कि अगर हम ऐसे हम फील कर रहे हैं कि भाई हम स्वस्थ हैं, अब हम चेकअप कराने गए और बीमारियां और ही निकल गई, तो वो भी एक मेंटल टेंशन हो जाती है कि भाई अब इसको कैसे ठीक करना है। जरूरी है जानना। तो कई बार यू जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स। दैट वो एक रॉन्ग अप्रोच है। जी, वो ऐसे अप्रोच है कबूतर सामने से बिल्ली आ रही है और आंखें बंद कर लेता है बिल्ली नहीं आ रही। जी, तो ये तो पता लगाना बहुत जरूरी है। कैंसर है जैसे, अगर हम चेकअप नहीं कराते कैंसर हमें निकलता है जो लास्ट स्टेज में होता है, जब हमें डायग्नोज हो जाता है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पे चेकअप कराया जाए और हमारा रेगुलर चेकअप समय पर, जैसे उसके कुछ नियम बने हुए हैं, तो उससे हमें पता लगता रहता है बीमारी का। और जो हमारी जो अप्रोच है, मैंने बताया जैसे डिजीज़ केयर है, डिजीज़ केयर अप्रोच है, हेल्थ केयर अप्रोच नहीं है। हम हेल्थ की बात नहीं करते। 95% जैसे US में भी 95% ऑफ ईच डॉलर वो स्पेंड होता है उस पर, बीमारी होने के बाद इलाज, हॉस्पिटल में इलाज होने के लिए, डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए। कोई प्रिवेंशन पे 5% भी खर्च नहीं होता है, जबकि प्रिवेंशन हमारा बेस्ट वो होना चाहिए। क्योंकि आज जो बीमारियां आ रही हैं वो इनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, NCDs, जैसे उसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, COPD जिसे कहते हैं, स्मोकिंग के कारण होती हैं, पोल्यूशन के कारण हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अपने कैंसर्स हो रहे हैं, हार्मोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेडेक है, माइग्रेन हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, पेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सब बीमारियां जो हो रही हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो रही हैं, गठिया हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, हड्डियाँ खराब हो रही हैं, ऐसे लगभग, और मन की डिप्रेशन है, और स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो इतनी सारी समस्याएं जो हैं, ये सब समस्याएं लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल से कनेक्शन है, स्ट्रेस से रिलेटेड है। इनका इलाज क्या करें? ये तो बीमारियां हैं, एक बार नाम इसका लग गया, इसको इनक्योरेबल डिजीज भी कहते हैं। इनको कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते रहिए, गाड़ी चलती रही, दवाई बंद कर दीजिए, फिर बीमारी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल हेल्थ हम किसे कहेंगे, आप किसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम से जो हेल्थ जो है, बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई, वो कहा गया इट्स हेल्थ इज साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। मतलब खाली बॉडी की बात नहीं है, जबकि जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की बात है, बॉडी की दवाइयां हैं, बॉडी की रिसर्च है, बॉडी के ऊपर ही सर्जरी होती है, बॉडी की फिजियोथेरेपी है, बॉडी के लिए ही डाइट बताई जाती है। हम डॉक्टर्स बनते हैं उनकी मेडिकल एजुकेशन में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, बॉडी के बारे में इलाज उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जबकि आज हम ये जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियाँ, लगभग मैं तो कहूँगा 100% बीमारियाँ मन से पैदा होती हैं, साइकोसोमेटिक हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है, स्ट्रेस का रोल है और एनवायरमेंट का रोल है, सोसाइटी का रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका रोल है। तो वो जो है, जब तक हम मन को नहीं जानते, आज डॉक्टर्स को ना मन के बारे, मन की एनाटॉमी क्या होती है, माइंड की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, उसके बारे कुछ भी नहीं पता है। उसकी मेडिसिन क्या है, मन की मेडिसिन क्या है, मन में आपके आप गुस्सा आता है आपको बहुत, आपको हमेशा सब चिंता रहती है, आपको बहुत डर लगता है, आपको आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत उदास हो जाते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, है ना, तो उसका उसकी कौन सी गोली खाएंगे? मन की मेडिसिन कौन सी है? तो जबकि वो एक मेजर कारण है बीमारी का। आपकी इम्यूनिटी भी कम हो रही है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों बार बार इन्फेक्शन हो रहा है? तो आपकी इम्यूनिटी किससे कम हो रही है? आपकी साइकी से कम हो रही है, जो नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ गई है, वेस्ट थिंकिंग की आदत पड़ गई, तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। आप कितनी मर्जी एंटीबायोटिक खाते रहिए, आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शुरू हो गया। मतलब पहले सिंपल सल्फाडाइजिन से लोग ठीक हो जाया करते थे, आज वो 1000 रुपये, 1500, 1600, 2000 रुपये की एंटीबायोटिक लेने के बाद भी 10 दिन लेने के बाद ठीक नहीं होते हैं। तो आज समस्या बहुत भयावह स्थिति है। तो हेल्थ में हम बॉडी शरीर पे ही ना ध्यान दे के और कौन सी चीज़ों पे ध्यान दे? जो हेल्थ की डेफिनेशन जो दी है WHO ने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं,
सामाजिक, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में भी जिस परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उसमें भी हमारी अप्रोच ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच है। और चौथा आध्यात्मिक तौर पे, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में हमें कुछ और भी चाहिए, क्या हम शांत हैं, क्या हम खुश हैं, क्या अपने आप संतुष्ट हैं, क्या हमारे सबके साथ हारमनी है, तो जीवन का लक्ष्य क्या हमें पास है, एक फिजिकल के अलावा, मेंटल के अलावा और समाज के अलावा, कोई हम अगर हम अकेले बैठते हैं क्या महसूस करते हैं, तो वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है। और खाली बीमारी नहीं है इसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होती है, जैसे हार्ट की आर्टरीज भी हमारी ब्लॉक 4 साल की उम्र से, 3-4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। जब 70% ब्लॉक होती है तो हमें तो छाती में दर्द होगा, वो 25 साल में होगा, 40 में होगा, 50 में होगा, 60, पता नहीं कब हो जाएगा, कब होगा। तो वो सारी बातें जो है, बहुत सारी चीजें कंपाउंड करती हैं। और हालांकि डेफिनेशन WHO की हेल्थ की डेफिनेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तो ऐसे तो कोई अचीव नहीं कर सकता जी। किंतु अगर आप देखें तो ये बहुत एक आइडियल डेफिनेशन, लक्ष्य बनाने की, तो लक्ष्य की बात है ना, उसे अचीव कर पा रहे हैं। हाँ जी, तो इसी WHO ने एक बार 1977 में अलमाटा में लगभग 193 मेंबर कंट्रीज हैं WHO की, तो सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। अलमाटा एक सिटी है कजाकिस्तान में जी। तो वहाँ सबने प्लान बनाया था बैठकर के, हम लोग 2000 तक सारे विश्व में, सारे विश्व के सभी सभी मनुष्यों को एक एटलीस्ट सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे। तो स्लोगन रखा था हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD। 15 साल बीत चुके हैं, क्या हम स्वस्थ हुए, क्या हम हेल्थी हुए? नहीं। आप देखें बीमारियां बढ़ गई हैं, कई गुना बढ़ गई। तो इतना पैसा खर्च होने के बाद हर बीमारी बढ़ती जा रही, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो बताया NCDs मैंने बताई, वह समस्या है। NCDs इतनी बड़ी समस्या है कि आज 80% लोग उसे सफर कर रहे हैं, और 68% डेथ्स 2015 में NCDs के कारण। NCDs माना जो बताया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स और कैंसर, हड्डियों की बीमारियाँ, इनके कारण। भाई साहब, सभी डॉक्टर्स नॉर्मली जो हमारी बात हो रही थी कि बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप भी मॉडर्न साइंस ही पढ़े हुए हैं, आपने भी इसी फील्ड से आप आ रहे हैं, आपको कैसे प्रेरणा आई कि नहीं कुछ और भी है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है? हाँ, मैं देखता था, जब मैंने MBBS करने के बाद मैं देखता था कि लोग बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद वो जो है दाखिल हुए हॉस्पिटल में, हमने ठीक करके भेज दिया, 15 दिन फिर एडमिट हो गए, महीने के बाद फिर एडमिट हो गए, 2 महीने के बाद फिर एडमिट हो गए, तो ये रिकरेंस होती थी। मैं सोचता ऐसा क्यों होता है, तब इतना समझ नहीं थी क्योंकि, पर मैं देखता था कि कैसे, क्योंकि मैंने IAS के टाइम मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, MBBS में IAS किया, तो साइकोलॉजी मतलब मेरे को एक इंटरेस्ट था इंसान को जानने का, उसकी साइकी को जानने का। कई बार मुझे टाइम मिल, हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल होता था, तो कई बार मैं नाइट ड्यूटी में स्पेशली मैं पेशेंट के पे बैठ जाता था, तो विषय डिस्कस करता था, तुम्हें बार बार ऐसा क्यों होता है, तुम बार बार एडमिट क्यों होते, तो वो मैं जब देखता था उनके पीछे कारण होता था, साइकोलॉजी का रीजन होता था, फैमिली का रीजन होता था, उनके स्ट्रेस होती थी, वो उसको प्रेसिपिटेट करती थी। जब मैं उसको एड्रेस करता था वो पेशेंट ठीक हो जाता था। अच्छा, जस्ट बाय टॉकिंग, बाय टॉकिंग, बाय उनकी मन की बात सुनना, समझाना उनको, काउंसलिंग करना, तो ठीक हो जाते थे। तो फिर बार बार अटैक होने बंद हो जाते थे तकलीफ, जैसे अस्थमा का अटैक है या कोई बीमारी बिफोर दैट मैटर, मेरे को उससे एक पॉजिटिविटी आने लगी। फिर मैंने 86 में मेडिटेशन करना सीखा, जब मैं एम्स में था, दिल्ली ऑरियंटेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, तो उसमें मैंने मेडिटेशन करना सीखा, ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन मैंने, राजयोग मेडिटेशन करना सीख लिया, तो उससे भी मेरे अंदर एक फेथ डेवलप हुआ। और फिर मैं जब 94-95 में मैं दिल्ली में एक बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि हम लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास करके लोगों को भेज देते हैं, और लोग फिर वापस 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मुझे एक पेशेंट का बहुत डिस्टिंक्टली याद आता है कि एक पेशेंट था, यंग पेशेंट था, 35-36 का रहा होगा, मैरिड था, उसकी एक बच्ची, 2 बच्ची थी, एक बच्ची 5-6 साल की थी, एक गोदी में थी। अच्छा। उसको हार्ट अटैक आ गया, मतलब पहले हार्ट अटैक 60-70 की उम्र में आता था 1960 में, और सिर्फ हायर क्लास का होता था, किंतु वो एक पेशेंट, जैसे हम 90s में देखते थे कि अभी हार्ट अटैक 40 के नीचे आना शुरू हो गया था, तो हम लोगों के लिए बहुत एक सोचने के लिए, हम सभी कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सोचते थे क्या क्या हो रहा है, तो महामारी के रूप में आ रहा है। 100 में से एक आदमी को आता था, अभी 100 में से अभी 8 आदमी को आ रहे हैं, तो 8 गुना बढ़ गई बीमारी पिछले 30 साल में। तो हम इस पर बड़े चिंतित थे सभी कि आने वाले समय में क्या होगा जी। तो जब उसको मैं देखा, तो हमने हार्ट अटैक आया, तो उसकी हमने
इलाज किया आईसीयू में, एसएसयू में, कॉर्नी केयर यूनिट में। फिर हमने उसकी नेक्स्ट डे उसकी एंजियोग्राफी की, तो एक जगह 80% ब्लॉक था, एक मेन आर्टरी एलईडी कहते हैं उसको, और एक दूसरी आर्टरी में 40% ब्लॉक था। तो मैंने उसकी वाइफ को बताया, वाइफ आईसीयू के किसी के बाहर बैठी थी, मैंने कहा इनकी आपके हस्बैंड की हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, उसके लिए आप 2 लाख रुपये जमा कराना पड़ेगा। उसने 2 लाख नेक्स्ट डे जमा कराया, हमने एंजियोप्लास्टी करके भेज दिया, और वही पेशेंट 3 महीने बाद वापस दाखिल हुआ, उसको फिर हार्ट तकलीफ हो गई। तो फिर वो हार्ट की तकलीफ हुई तो अब हमने दोबारा उसको इलाज किया, फिर नेक्स्ट एंजियोग्राफी की। इस बार देखा वो जहाँ स्टैंड लगाया था वो बंद हो गया था, 100% बंद, बंद। जो आरसी में डिजीज 40% थी वो 80% हो गई थी, और एक नया 60% ब्लॉक पीछे वाली आर्टरी LCX कहते हैं उसमें आ गया। तो जब हम राउंड पे जाते तो मैंने कहा कि ऐसे आपको अभी 3 ब्लॉक्स हो गए, और अभी आपको दोबारा से या दो दो आर्टरी में हम एंजियोप्लास्टी करेंगे या फिर बाईपास करा लीजिए। अगर एंजियोप्लास्टी कराना 3 लाख जमा करा दीजिए, बाईपास करना तो 2.5 लाख जमा करा। हाँ, इसीलिए बॉडी पे फोकस करना और अपने आप को डॉक्टर पे सौंप देना ये बहुत इजी हो जाता है हर एक पेशेंट के लिए भी, शायद इसीलिए इसी पे ही ज़्यादा रिसर्चेस होती है। तो भाई साहब, ये जो 3D हेल्थ केयर है, हम बात करते हैं हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी की, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये बेसिकली इंसान को एज अ होल देखना, खाली मैंने बताया जैसे बॉडी, आज की हमारी अप्रोच बॉडी की है। जो बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट जो 19th century में आया, या कहें 1900 के बाद शुरू हुआ, जम थ्योरी ऑफ डिजीज आई कि बीमारी जो होती है वो कीटाणुओं से होती है, तो उसके समय ही समझो ये कॉन्सेप्ट आया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो उसमें जो ये था कि भी उसमें इंसान जैसे एक मशीन है, ह्यूमन बींग इज़ अ मशीन, उसमें डैमेज हो गया और डॉक्टर काम उसको रिपेयर करना, तो ये रिपेयर करके देना, मतलब ह्यूमन बींग विक्टिम है और डॉक्टर उसका मैकेनिक है रिपेयर करने, मतलब इंसान का कोई इसमें रोल नहीं, ये मतलब था कॉन्सेप्ट था। पर ये इसमें बहुत डिफेक्ट थे इस कॉन्सेप्ट में, बस बहुत समय चला है कॉन्सेप्ट। हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली 1950-60 में, तो हम लोग अगर मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, निमोनिया हो गया, एंटीबायोटिक दे ठीक हो गया, तो हमने काम ने तो बीमारी पर विजय पा ली। तो हमने यही इंसान ने समझा कि विजय हो गई हमारी, तो अभी हमें तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। कि तो जैसे जैसे फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, भारत में शुरू हुआ 60s में 70s में, विदेशों में शुरू हुआ, तो क्या हुआ, लोग जो जॉइंट फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, नहीं तो हस्बैंड वाइफ रह गए, क्योंकि वो गांव छोड़ के आ गए, गाँव में भी शहरीकरण हो गया, बिलीफ सिस्टम्स थे वो ब्रेक हो गए, बच्चे माँ बाप के साथ है तो एक बिलीफ सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम्स थे, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए, तो फिर क्या सारा सिस्टम बदल गया, और अब स्ट्रेस बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। इस समय जो है ये 3D हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, जैसा मुझे उस पेशेंट से फील हुआ, और भी फिर कैसे कई पेशेंट मेरे साथ लाइफ में आए, तो मुझे लगा हम लोग नहीं, हमारी अप्रोच एक टोटल इंसान की नहीं है, इंसान के सिर्फ एक ऊपर से इलाज करने की अप्रोच है, उसको ठीक करने की अप्रोच नहीं है, जो कि और बहुत कॉस्टली है। तो मुझे फिर मैं जैसे मेडिटेशन करता था, तो मुझे ऐसी कुछ अंदर से प्रेरणाएं आती थी कि मैं ऐसे क्या करूं, प्लस पढ़ता बहुत था उन दिनों में, मैं अलग अलग तरह से मतलब डिफरेंट जर्नल्स में पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अंदर से चेंज हो गया था जी। तो फिर मेरे मन में यह आया कि नहीं, मन जो है, क्योंकि उस समय ही आपको अगर देखेंगे रिसर्चेज में 91 ऑनवर्ड्स इतनी रिसर्च हुई है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कि हमारे मन के विचारों का हमारी इम्यूनिटी पे क्या असर होता है, साइको न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी PNE एंड PNI कि हमारे मन के विचारों का हमारे हार्मोन्स पे क्या असर होता है जी। तो इस पे बहुत काम हुआ है और ये इसमें प्रूव हुआ कि विचार बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तक हम विचारों को ठीक नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक हम कितनी भी हम दवाई खा लें, कितने भी ऑपरेशन करा लें, कितनी भी गोलियां खा लें, कितना कुछ भी कर लें, हम ठीक नहीं हो सकते। कोई सिस्टम, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, कोई भी सिस्टम ठीक नहीं कर सकता जब तक हम मन के विचारों को ठीक नहीं करें। तो तब ये सिस्टम बना कि ऐसा 3D हेल्थ केयर, जिसे हम पहले अभी तक आप माइंड बॉडी मेडिसिन सुनते थे, जिसे मैंने बताया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आया, फिर 1977 में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल कॉन्सेप्ट आया, कि हमारी जो बॉडी है मशीन समझ लीजिए, किंतु भले मशीन समझिए किंतु इस पे हमारे मन के विचारों का असर होता है, समाज का असर होता है,
तो ये कॉन्सेप्ट चला, मतलब इसमें इंसान को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम्हें अपने मन को विचार को सुधारना पड़ेगा, अपने समाज को सुधारना पड़ेगा, अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा, ठीक होना है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली नहीं है। तो उसके बाद जब ये 91 में रिसर्चेस हुई तो 1998 में ये कहा गया नहीं, एक बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ, मतलब स्पिरिचुअलिटी का भी रोल है, क्योंकि विचारों को ये तो पता लग गया मेरे विचार नेगेटिव हैं, गुस्सा आता है, जल्दी है, चिंता है, ये सब बातें हैं, किंतु ये जो है बदले कैसे, यहीं पर काफी ज्यादा मेहनत हो जाती है और रिजल्ट्स भी नहीं पता चलते। गुस्सा हमें आ रहा है, आप कहो आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, उस दिन ज्यादा आएगा आपको, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, चिंता ज्यादा आएगी, तो चिंता आ क्यों रही है, तो एक स्पिरिचुअल मॉडल साथ में एक्सपेक्ट ऐड किया गया, तो उसको मतलब उसकी डिमांड महसूस की गई, तो उसके बाद जो है ये एक डेवलप हुआ। तो मेरे मन में उन्हीं दिनों मेरे मन में भी ये सब चल रहा था, जब ये रिसर्चेज हो रही थी, मैं रोज पढ़ता था, तो मेरे मन में भी सब उसमें एक आंदोलन चल रहा था अंदर से। तो ये 95 में एक उन्हीं दिनों मेरी डॉक्टर कलाम साहब से बात हुई, डॉक्टर कलाम उस समय DRDO के डायरेक्टर जनरल थे जी। उनसे शेयर किया गया ये आइडिया, एक मिनट स्टॉक में था, DRDO के साइंटिस्ट उसमें बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाके डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब को, कैसे से डॉक्टर हैं और वैसे से हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किंतु वो इसमें सोचते हैं काफ़ी, हमने उससे सब कुछ सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया जी। तो हम फिर गए वहाँ, उनसे बातचीत हुई, डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस पर काम करेंगे तो मैं आपके साथ आपको पूरी मदद करूँगा। फिर हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जी, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को लेकर बनाया था, तो उसमें जो है जो हार्ट के एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंट, जिनके हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो क्या हम उनको मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन से, प्रॉपर डाइट से, बैलेंस प्रॉपर बैलेंस डाइट और प्रॉपर व्यायाम, प्रॉपर नींद और डी एडिक्शन, मतलब एडिक्शन फ्री लाइफ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब छोड़ करके, और प्लस मॉडर्न हेल्थ केयर जो उसमें मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, जो भी उनका है वो चलता रहे, और साथ में क्या हम उनके द्वारा उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या उनके ब्लॉक खोल सकते हैं, क्या उनको हार्ट अटैक आने से रोक सकते हैं, ऐसा एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया गया। और वो करने के लिए फिर मैंने दिल्ली छोड़ दी, मैं माउंट आबू, क्योंकि मैं आता जाता था बीच में भी, तो मैंने माउंट आबू में शिफ्ट किया उसके लिए। तो इस तरह से नया कॉन्सेप्ट फिर बना, सोल माइंड बॉडी, इसको हम सोल माइंड बॉडी मेडिसिन कहते हैं। तो ये सोल, सोल माना स्पिरिचुअल, स्पिरिट क्या, आत्मा माना शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी, मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, मन के चार एस्पेक्ट हैं, मन नॉन फिजिकल है, फिजिकल तो नहीं, आत्मा भी नॉन फिजिकल है, तो ये चार बातें, चारों हमारी नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो ये हमारी पॉजिटिव कैसे बने, इसको हम मेंटल केयर कहा, वो स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर और फिजिकल केयर। फिजिकल केयर माना हमारा भोजन कैसा हो, मतलब हमारा भोजन सात्विक भोजन हो, बैलेंस्ड हो, और कैसा भोजन हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो हमारा, और खाली क्या नहीं खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, फिर हमारी सैर कैसे, व्यायाम कैसा हो, व्यायाम भी कैसे हमारा किस समय हो, और उसकी क्या पर्पज़ की, कैसे मतलब कैसे व्यायाम करें, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। और फिर नींद हमारी कैसी, कब सोना है, कब उठना है और कैसे सोना है, और फिर हमारी हमें डिडिक्शन कैसे करें, हमें को आदत पड़ गई चाय पीने की, शराब पीने की, या फिर बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाने की, जो हार्ट को नुकसान कर रहा है, जो हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को नुकसान कर रहा है, उससे कैसे बचा जाए, और फिर दवाइयाँ भी ठीक कैसे खाई जाएँ टाइम पर, उसकी भी हमारी अकॉर्डिंग टू क्लॉक कैसे खाई जाए। तो मैं समझता हूँ इस तरह से फिर ये सारा सिस्टम बनाया गया, 3-dimensional हेल्थ केयर, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट दी गई, और फिर हमारा उसको बाद में अप्रूव होने के बाद रिसर्च शुरू की गई जी। और फिर हमने 18.5 साल हो गए तब से हमें रिसर्च करते हुए, और ये प्रोग्राम जैसे 3-dimensional हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, इस प्रोग्राम का लक्ष्य रहेगा कि हम एक नए तरह से शरीर और मन की हर बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को जो भी तकलीफ हो वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना एम्पावर कर लें कि वो अपने आप इसको ठीक कर सकें, अपने आप इसके अंदर बल्कि प्रिवेंट कर सकें आने वाले समय में, बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाएं, अगर यंग है तो वो सीखें, और एडल्ट्स हैं जिनको बीमारी हो गई तो वो भी करें,
तो ये बीमारी की जड़ ही खत्म हो जाए और एक ऐसे हम स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण हो सके। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा रहा। और डेफिनेटली हम सब की शुभ भावना है कि हमारे दर्शक ये प्रोग्राम सुने और डेफिनेटली से बहुत बहुत लाभ मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मित्रों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि हमको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई शरीर में रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, बल्कि हमें ओवरऑल अपने आप को देखना है, अपने मन को मजबूत बनाना है ताकि हम स्वस्थ जीवन जीने का आनंद उठा सकें। और आगे हमारी चर्चा में हम तन और मन की जो भी बीमारियां हैं, आपकी बीमारियां हैं, आपके परिवार की बीमारियां हो, समाज की जो भी मुश्किलें हैं, उन सब की गहराई से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे शो में 3D हेल्थ केयर। ओम शांति, नमस्कार।